एक ऐसी चीज जिसके लिए बिहार में सत्ता तक छोड़ने की बात कह दी गई। कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान ने ताड़ी को बैन से बचाने के लिए ये तक कह दिया था कि अगर सूर्योदय से पहले ताड़ी का सेवन करने वाले आदमी का स्वास्थ्य सेवन न करने वाले से बढ़िया नहीं रहा तो वो सत्ता छोड़ देंगे। आपने अक्सर ताड़ का नाम शायद मुहावरों में सुना हो, या फिर कुछ लोग शायद आज भी इस शब्द से अनजान हो। शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ताड़ी का नाम सुनते ही सबसे पहले नशे का ख्याल अपने दिमाग में ले आए होंगे। लेकिन आज हम आपको ताड़ी की स्पेशलिटी बताएंगे, यानी उससे जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको हैरान कर देंगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ताड़ी, जिसे हम नशे का पेय पदार्थ समझते हैं, वो सेहत के लिए इतनी ज्यादा लाभदायी होती है। नमस्कार, मैं हूँ किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन का खास सेगमेंट सेहतनामा। अगर बात की जाए कि ताड़ दिखता कैसा है, तो ये आमतौर पर बहुत ऊंचा होता है। उसके पेड़ के तनों पर छेद करके मटका लटका दिया जाता है, जिसमें बूंद बूंद करके ताड़ का रस गिरता है, जो सूर्योदय के पहले अमृत के जैसा बताया जाता है। ताड़ के ताजे रस को नीरा कहते हैं। नीरा मीठा होता है, लेकिन धीरे धीरे फर्मेंट होने के बाद ये ही ताड़ी बन जाता है, जो नशे का काम करने लगता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। स्वाद में मीठा और सफेद रंग वाला नीरा सेहत के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। ताड़ी में पीएच मान 8 से 9 तक का होता है। ताड़ी पोषक तत्वों की भंडार भी मानी जाती है। इसमें सुक्रोज, प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड के साथ ही 84% जल तो है ही, इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक जैसे कई पोषक तत्व भी शामिल होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि ये नीरा या ताड़ी कितनी फायदेमंद होती है हमारे लिए। एक शोध में ये भी कहा गया है कि नीरा का सेवन करने से 100 से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताड़ी के सेवन से हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है। ताड़ी का सेवन उन माताओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्होंने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ताड़ी में कैंसर जैसे भयंकर रोग से भी लड़ने की क्षमता होती है। हालांकि ये बात आपको अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन ये सच है। ताड़ी में रिबोफ्लेविन पाया जाता है, जो विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। रिबोफ्लेविन एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कुछ तरह के कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल से लड़कर शरीर की कैंसर से रक्षा करता है। रोज एक ग्लास ताड़ी पीने से कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही ये पीलिया, दमा, एनीमिया और यूरिन में हो रही जलन की समस्या को भी बहुत जल्दी हल कर देता है। लेकिन गौर करने वाली बात एक और है, वो ये कि बहुत सारे लोग ताड़ी और नीरा में अंतर नहीं समझ पाते। ताड़ और नीरा दोनों को ही ताड़ के रस से निकाला जाता है। रस जब तक ताज़ा रहता है उसे नीरा कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे फर्मेंट होने के बाद ये खट्टा होने लगता है तो उसे ही ताड़ी कहा जाता है। इसीलिए नीरा का सेवन पेड़ से निकाल कर तुरंत करना चाहिए। ताड़ी सेहत के लिए नुकसानदायी होती है, जबकि नीरा सेहत के लिए बहुत लाभप्रद है। एक खास बात यह भी है कि अगर आपको नीरा या ताड़ी का सेवन करना है, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के इसका सेवन ना करें। हो सकता है आपके शरीर में भी कोई ऐसी कमी हो जिसके लिए ये नुकसानदायक हो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमेशा हमारे साथ। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।